दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ होममेड गार्लिक चीज़ ब्रेड की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसे मैं ओवन पे बनाऊंगी, पर आप चाहो तो इसको कुकर में भी बना सकते हो, जिसका इंस्ट्रक्शन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स और रेसिपी हम देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, 1.5 टीस्पून ड्राई ईस्ट, अराउंड 1.5 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, 1 कप ग्रेटेड मोजरेला चीज, 1.5 टेबल स्पून बटर, 2 पिंचेस सॉल्ट और 1.5 टीस्पून शुगर, और चाहिए 1/2 कप दूध, 2 टेबल स्पून गर्म पानी, अराउंड 1 टेबल स्पून ड्राई चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून ऑरिगेनो। तो सबसे पहले हम ड्राई ईस्ट को एक्टिवेट करेंगे, और इसके लिए हम इसमें 2 टेबल स्पून हल्का गर्म पानी डालेंगे और इसको ऐसे ही रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए एक्टिवेट होने के लिए। अब हम एक बॉल में 2 कप मैदा ले लेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 2 चुटकी नमक, 1 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट और एक्टिवेटेड ईस्ट के मिक्स को। अब इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करके नीट कर लेंगे। हम जरूरत के अनुसार दूध मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसको नीट करना है। जितना आप इसको अच्छे से नीट करोगे, ब्रेड उतना ही सॉफ्ट बनेगा। फॉर बेस्ट रिजल्ट, 10 से 12 मिनट के लिए इसको नीट करते रहिए, ताकि हम इससे एक सॉफ्ट डो बना सकें। अच्छे से नीट कर लेने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। तेल को डो के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस डो को कॉटन के गीले कपड़े से ढक के रखेंगे 2 से 3 घंटे के लिए किसी गर्म जगह पे। दोस्तों, आप देख सकते हो कि ईस्ट की वजह से डो फर्मेंट होके डबल साइज का बन चुका है। अब फिर से हम डो को थोड़ा सा नीट कर लेंगे। डो को नीट कर लेने के बाद हम इसे मीडियम साइज बॉल बना लेंगे। अब हम इसको जहाँ पे बेलेंगे वहाँ पे थोड़ा सा ड्राई मैदा ऐसे स्प्रेड कर लेंगे। इसको बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है, इसका थिकनेस मीडियम ही रखना है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट ऐसे स्प्रेड कर देंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेटेड चीज का एक लेयर। थोड़ा सा चिली फ्लेक्स ऐसे स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़ा सा ऑरिगेनो भी स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, पर इसके पहले हम इसके साइड में ऐसे पानी लगा लेंगे ताकि ये अच्छे से सील हो सके। इसको ऐसे फोल्ड कर लीजिए और इसके साइड को फिंगर से ऐसे हल्के से प्रेस कर लीजिए ताकि ये अच्छे से सील हो जाए। अब हम ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 10 से 15 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे। जिस बेकिंग प्लेट में आप ब्रेड को बेक करोगे उसको ऐसे ऑयल से या फिर बटर से ग्रीस कर लीजिए। ब्रेड को केयरफुली बेकिंग प्लेट में प्लेस कर लीजिए। अब हम इसके ऊपर बहुत अच्छे से बटर ब्रश कर लेंगे।
थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट भी ब्रश कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ग्रेटेड चीज, चिली फ्लेक्स और ओरिगानो स्प्रेड कर लेंगे। अब हम एक नाइफ से इसके ऊपर हल्के से कट करेंगे। ध्यान रखिए कि बॉटम तक इसको कट नहीं करना है, बस नाइफ से हल्का सा मार्क करना है और कोशिश कीजिए कि इसका डिस्टेंस सेम हो। अब हम इसको प्रीहीटेड ओवन पे 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में 15 मिनट के लिए कन्वेक्शन मोड पे बेक कर लेंगे। तो रेडी हो चुका है चीज गार्लिक ब्रेड। इसे कट कीजिए और गर्मा गर्म सर्व कीजिए। अगर ये ठंडा हो जाए तो आप इसको तवे पे या फिर ओवन पे हल्का सा गर्म कर लीजिए। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको रेसिपी पसंद आई है, और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके इस रेसिपी को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। थैंक यू।